शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजू शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, वीडियो विशेषकर एक न्यू विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है यहाँ पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम डेट शीट के बारे में कि इतने सारे सब्जेक्ट में से आप आसानी से अपने सब्जेक्ट की डेट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कहते काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेट होती है। GR1 होता है, GR2, 3, 4, 5, 6 होते हैं यहाँ पे, उसका क्या मतलब है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कई जरूरी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, जैसे आपका एग्ज़ाम रिजल्ट, एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम हॉल टिकट। इससे जरूरी जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कुछ विषयों की एग्ज़ाम डेट बदल सकती है। ऐसे में एग्जामिनेशन हॉल टिकट के डेट शीट को फाइनल माना जाएगा, यानी कि जब आप नवंबर के महीने में उसकी भी वीडियो मैं बनाऊँगा, बना के डालूंगा यहाँ पे, तो जो आपको गलत है कि हॉल टिकट मिलेगा उसमें जो आपकी जो डेट टाइमिंग है वो आपकी फुल एंड फाइनल है। आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। तो हो सकता है यहाँ पे डेट थोड़ी सी चेंज हो जाए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह भी होते हैं, तो कोई डेट चेंज हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ही दिन एक ही टाइम में दो या ज़्यादा एग्ज़ाम हो तो कोई एक अपनी चॉइस से देना होगा और बाकी छोड़ना होगा, क्योंकि होता है यहाँ पे कई बार गलती है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपके, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं यहाँ पे जिसके यहाँ पे एक ही टाइम होता है, दो या दो से ज़्यादा पेपर होते हैं, तो ऐसे में अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी एक पेपर दे सकते हैं, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। और जो आप सब्जेक्ट आप छोड़ोगे तो उसका एग्ज़ाम आपका अगली बार होगा। चलिए, अब एक ऑनलाइन प्रोसेस है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे गूगल में जाके आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इग्नू एग्ज़ाम डेट शीट दिसंबर 2017 सर्च कर दीजिए। इसे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन पे PDF का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप कहते हैं कि PDF पे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो डेट शीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो कर देते हैं यहाँ पे। तो आपकी डेट शीट है, डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 5 अक्टूबर 2017 को ये डेट शीट यहाँ पे दोबारा से चेंज हुई थी यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेट वाइज आपके सारे जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट में से आपको अपना सब्जेक्ट ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका भी मैं यहाँ पे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप आसानी से अपने सब्जेक्ट की डेट कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से और कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे डेट वाइज सारे सब्जेक्ट की डेट शीट यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16, और नीचे यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे GR1, GR2, GR3, GR4, GR5। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे जानना है मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अगर मेरे यहाँ पे कहते हैं कोई सब्जेक्ट है यहाँ पे तो मुझे उसका कोड बताना चाहिए। अगर मुझे उस सब्जेक्ट का कोड पता है तो उस कोड से मैं आसानी से सर्च करके यहाँ पे अपनी मैं डेट शीट वगैरह निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आप कि यहाँ पे आपको जो है सारे सब्जेक्ट इसमें आप दे रखे हैं। यहाँ पे 6 दिसंबर 17, 7 दिसंबर 2017, 8 दिसंबर 2017, 9 दिसंबर 2017, 11 दिसंबर 2017 और 12 दिसंबर 2017, 13 दिसंबर 2017, 14 दिसंबर 2017, 15 दिसंबर 2017, 16 दिसंबर 2017, 18 दिसंबर 2017, और इस तरह से आपको यहाँ पे डेट वगैरह दे रखे थे यहाँ पे। तो अब मान के चल लेते हैं यहाँ पे कि मुझे अपने सब्जेक्ट है, मुझे उसकी डेट पता करनी है, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे ऊपर मैं जो PDF व्यूवर है यहाँ पे, तो मैं जाऊँगा सर्च में। सर्च में जाकर मैं लिखूँगा अपने सब्जेक्ट का कोड। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे BHDF 101। तो लिखने के बाद मुझे क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च करा तो देखिए यहाँ पे आपको BHDF और उसके सामने आके डेट आ गई आपको। तो आसानी से आप जितने भी सब्जेक्ट है आप उसको कोड लिखिए, सर्च करें, और सर्च करने के सामने आपको यहाँ पे मिल जाएगा हाईलाइट में, और यहाँ पे आपको डेट मेंशन हो जाएगी। अब कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आए के GR1, GR2, GR3, GR4, GR5 में आ गए। जैसे यहाँ पे EHI 1 लेके चलता हूँ यहाँ पे मैं। EHI 1 का एग्ज़ाम कब है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो EHI 1 है वो आपके यहाँ पे गलती है कि कब आ रहा है, यहाँ पे GR1 में आ रहा है आपका। अब GR1 में यहाँ पे देखूंगा सर्च करके कि GR1 यहाँ पे कहाँ आता है। तो मैं यहाँ पे सर्च में जाता हूँ दोबारा से। यहाँ पे सर्च में यहाँ पे मैं टाइप करूँगा यहाँ पे GR1, GR1।
तो जी आर वन यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। अब सर्च करके देखिए यहाँ पे जी आर वन यहाँ पे आपको मेंशन हो गया है कि जी आर वन जो आ रहा है आपका 14 दिसंबर 2017 को आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट था वो जी आर वन में था और जी आर वन का जो एग्ज़ाम है वो कब है 14 दिसंबर 2017 को है। तो आप इस तरह से यहाँ पे अपने सब्जेक्ट की एग्ज़ाम फीस आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। साथ में थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया यहाँ पे कि जी आर वन, जी आर टू, जी आर थ्री, जी आर फोर, जी आर फाइव के यहाँ पे एग्ज़ाम कब है, तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी आई होगी आपको। सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करिएगा आगे के वीडियो के लिए यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।